वेलकम टू माय चैनल रतन कुंवर। आज हम फ्रेंड्स सैंडविच में इस्तेमाल की जाने वाली ग्रीन चटनी बनाएंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होती है। ये चटनी बनाना बहुत ही आसान है। तो हमेशा की तरह फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। और मेरा वीडियो फ्रेंड्स आप एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं आपको टिप्स देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, ये रेड बटन दबा के सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में ये बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे ग्रीन चटनी बनाने के लिए मैंने तो एक बंच के हिसाब से मैंने लिया है। इसमें मैं आपको एक चीज बताऊंगी, इसमें आप देख सकते हैं मैंने धनिया पत्ता के से पीछे की जो जड़ रहती है उसे ही निकाला है, और इसका जो मोटा डंठल रहता है उसे ही मैंने निकाला, बाकी मैंने इसे ऐसे ही इस्तेमाल किया है। ऐसे आप इस्तेमाल करेंगे चटनी का टेस्ट जो है दुगना हो जाएगा। छह मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची ली है, ये मिर्ची बहुत ही स्पाइसी होती है। एक टेबलस्पून मैंने यहाँ पे भुनी हुई चना दाल ली है, जिसे फुटाना बोलते हैं, दालिया भी बोलते हैं। और एक टेबलस्पून मैंने यहाँ पे जीरा लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। एक इंच हम यहाँ पे अदरक के टुकड़े का इस्तेमाल करेंगे, और एक टीस्पून हम यहाँ पे नींबू के रस का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें एक बात मैं आपको बताऊंगी कि हम ये ग्रीन चटनी बना रहे हैं सैंडविच के लिए, तो इसे ग्रीन इसका कलर बरकरार रहने के लिए आप इसे ब्लेंड करेंगे, तभी जब आप उसमें आइस क्यूब्स डालिए उससे इसकी चटनी का कलर जो है बरकरार रहेगा। जब मिक्सी चलती है तो गर्म होती है, तो उस वजह से इस चटनी का कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, बट आप इसमें आइस क्यूब्स डालेंगे तो इससे चटनी का कलर जो है बरकरार रहेगा। तो अब उसमें हम इस तरह से धनिया पत्ता को कैंची की सहायता से या चाकू से आप काट के डालिए, मिर्ची भी हम काट के डाल देंगे, मिर्ची कैंची की सहायता से काटिए क्योंकि बहुत तेज होती है। अदरक डाल देंगे, नमक डाल देंगे, और ये जीरा और भुनी हुई चने की दाल भी हम इसमें ऐड कर देंगे। मैं ये दो आइस क्यूब्स डाल देंगे जिससे चटनी का कलर बरकरार रहेगा, और इसे हम पीस लेंगे। तो ये देखिए इसे हमने पीस लिया है, तो ये आप देख सकते हैं इसका कलर आपको एकदम ग्रीन ही दिख रहा होगा। तो अब हम इसमें आधा नींबू डाल देंगे, ये मैंने इसे एक डब्बे में निकाल दिया है। तो ये चटनी आप सैंडविच में बहुत सी चीजों में आप ये चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी सैंडविच की ग्रीन चटनी झटपट से बनके तैयार हो चुकी है। छोटे छोटे डिब्बे में डाल के आप डीप फ्रीज में रखेंगे तो आप दो तीन महीने तक उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी अगली नई रेसिपी।